सी प्रिज्म स्टोन। हाँ, कभी सोचा है कि सी स्टोन एग्जैक्टली कैसे बनता है और कहाँ से आता है? और कभी ये सोचा है कि सी स्टोन इतना रेयर क्यों है? वेल, आज वाली थ्योरी सुन के मुझे लगता है कि तुम कन्विंस हो जाओगे ये थ्योरी इतना ज़्यादा मस्त है, मतलब इतना ज़्यादा चांस है ना सच होने का कि तुम भी बोलोगे कि हाँ यार यही होगा शायद। थ्योरी ओरिजिनल है और फुल रेफरेंस बाजी देने वाला है मैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बाय द वे, मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट, ठीक है? थ्योरी में बहुत मांगा स्पॉयलर है भाई, बहुत ज़्यादा। तो लेटेस्ट चैप्टर 1050 में अपने को पता चला है कि काइडो और बिग मॉम फ्लावर कैपिटल के नीचे गर्म मैग्मा पूल में गिर गए हैं, और वानो के पास का जो एक अंडर वाटर वॉल्केनो है, फॉर अ फैक्ट हमारे धरती, हमारे रियल अर्थ में भी बहुत सारे अंडर वाटर वॉल्केनो है, ठीक है? तो वो इरप्ट हुआ है। अब इस अंडर वाटर वॉल्केनो को देख के मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि फ्लावर कैपिटल में भी तो एक वॉल्केनो है, और इस फ्लावर कैपिटल वाले वॉल्केनो के अराउंड ही है मेरा पूरा थ्योरी। आओ बाबू लोग, आज मैं तुमको ज्योग्राफी पढ़ाएगा, ठीक है? तो हमारे धरती में तीन प्रकार के पत्थर होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। प्लस फोर्थ में शायद तुम पढ़े थे, पता नहीं। अपन सिर्फ आज इग्नियस के बारे में बात करेंगे, बाकी दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो इग्नियस रॉक्स जो होता है ना, वो तुमको पता है कैसे बनता है? मोल्टन लावा से। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है ना, तब लावा बाहर आता है, और ये लावा या फिर ये मैग्मा ठंडा होकर डिफरेंट टाइप का इग्नियस रॉक्स बन जाता है। मतलब वॉल्केनो होता है सोर्स इग्नियस रॉक्स का, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्लावर कैपिटल में जो वॉल्केनो है वो एक्चुअली में सोर्स है सी स्टोन का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो लावा फ्लावर कैपिटल के वॉल्केनो से निकलता है ना, वही बाद में ठंडा होकर शायद सी स्टोन बन जाता है। और ये चीज़ से ना अपने को ये भी पता चलता है कि सी स्टोन इतना रेयर और लिमिटेड क्यों है, क्योंकि बाबू वॉल्केनोज हर अगले दिन फटते नहीं है ना, ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम पे इरप्ट होते हैं वॉल्केनोज IRL में भी। अब ये जो लावा है या फिर मैग्मा है जो इस वॉल्केनो से निकलता है, मुझे लगता है कि ये स्पेशल है और पूरे वन पीस वर्ल्ड में सिर्फ इसी वॉल्केनो से निकलता है। इसलिए सी स्टोन का ओरिजिन सिर्फ वानो ही है और सी स्टोन का सोर्स सिर्फ वानो ही है। और क्योंकि वानो में सी स्टोन बहुत टाइम से माइन किया जा रहा है, वानो के लोग बहुत ट्रेंड है सी स्टोन से छोटा सा छोटा चीज़ बनाने में। लेकिन मुन्ना, आज की ज्योग्राफी क्लास यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ना, वो भी दो टाइप्स के होते हैं भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टीचर है भाई, फक। तो दो टाइप्स के इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स मतलब वो रॉक्स जो इरप्शन के बाद बाहर निकले मैग्मा के ठंडे होने के बाद बनते हैं। मतलब कि अभी जो मैंने पूरा सी स्टोन का समझाया वो एक्सट्रूसिव रॉक है। एक्सट्रूसिव रॉक्स को बनने में बहुत टाइम नहीं लगता, इसलिए सी स्टोन की माइनिंग पूरी साल हो पाती है और उसको काइडो ट्रेड कर पाता है डॉफी से पूरे साल भर स्माइल फ्रूट्स के एक्सचेंज में। लेकिन इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं ना, वो ऐसे रॉक्स होते हैं जो अर्थ सरफेस के अंदर ही क्रिस्टलाइज होते हैं, अनलाइक एक्सट्रूसिव रॉक्स जो मैग्मा के बाहर निकलने के बाद उसके ठंडे होने से बनता है। और ये इंट्रूसिव रॉक्स को बनने में हज़ारों साल लगता है, मतलब कि ये बहुत रेयर, मतलब इतना भाई, मतलब एक्सट्रूसिव से तो बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप का रॉक होता है। अब सी स्टोन के अलावा एक और रॉक है वन पीस वर्ल्ड में जो वानो का एक्सक्लूसिव रॉक है, और एक ही रॉक शायद सी स्टोन से भी ज़्यादा रेयर है पूरे वन पीस वर्ल्ड में, एंड दैट रॉक इज़ वो रॉक जिससे पोनीग्लिफ बना है। यस, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि दोनों सी स्टोन और पोनीग्लिफ वाला रॉक का सोर्स सेम ही है, और वो है फ्लावर कैपिटल वाला वानो। अब जैसे एक्सक्लूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स का प्रॉपर्टी बहुत अलग होता है, वैसे ही सी स्टोन और पोनीग्लिफ वाला रॉक का भी प्रॉपर्टी अलग है। तभी तो पोनीग्लिफ को छूने के बाद भी डेविल फ्रूट यूज़र वीक नहीं होता, अनलाइक सी स्टोन। रॉबिन पोनीग्लिफ को छूने के बाद भी वीक नहीं फील करी थी, याद है? मतलब वो तो भाई पोनीग्लिफ को छूती रहती है फिर भी उसको कुछ नहीं लगता। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ प्रॉपर्टीज़ दोनों की सिमिलर भी है, जैसे कि दोनों का हार्डनेस। सी स्टोन को डायमंड जितना हार्ड बोला गया है सीरीज़ में, और पोनीग्लिफ को तो भाई आज तक वर्ल्ड को में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, इतना हार्ड है वो। समझ आ गया ना कि क्यों पोनीग्लिफ वाला रॉक सी स्टोन से भी ज़्यादा रेयर है? और तुमने ध्यान दिया कि काइडो और बिग मॉम एक्चुअली में फ्लावर कैपिटल के वॉल्केनो के नीचे वाले मैग्मा पूल में ही गिरे हैं? अब अगर ऐसा है कि सी स्टोन उस वॉल्केनो के मैग्मा से बनता है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी काइडो और बिग मॉम एक्चुअली में सी स्टोन से भरा हुआ मैग्मा में है, और वो मैग्मा सेम मैग्मा है शायद जो बाद में इरप्शन के बाद ठंडा होकर सी स्टोन बनेगा। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि क्यों ये दोनों दल्ले थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर पा रहे अपनी जान बचाने के लिए। आई मीन दे आर फकिंग यंकोज यार, थोड़ा सा तो मतलब
स्ट्रगल करते हैं ना खुद को बचाने के लिए, बट दोनों डेविल फ्रूट यूजर्स है, तो ये सी स्टोन वाले लावे की वजह से ये हिल ही नहीं पा रहे, और क्योंकि बिग मॉम और काइडो इस फ्लावर कैपिटल वाले वॉल्केनो के नीचे वाले मैग्मा पुल में ही गिर गए। यार मैं ये पूरा लाइन कितने बार बोलूँगा भाई, चलो ठीक है तुम समझ गए ना। तो मे बी दिस विल क्रिएट अ प्रेशर इनसाइड द अर्थ सरफेस, वन पीस वाला अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से जो ये वाला वॉल्केनो है, ये फ्लावर कैपिटल वाला, ये शायद जल्द ही इरप्ट हो जाएगा, जिससे ऑब्वियसली एक लार्ज अमाउंट ऑफ सी स्टोन भी बन सकता है, मैग्मा बाहर निकलेगा तो ठंडा वंडा, समझ गए ना। और पता है इस इरप्शन से बिग मॉम और काइडो बाहर भी आ सकते हैं, नॉट सेइंग कि वो आएंगे ही, बट आ सकते हैं और उनकी जान बच सकती है मे बी। कैसे आएंगे ये बाहर अगर समझ नहीं आए तो मैं समझा देता है, काइडो और बिग मॉम अभी इस वॉल्केनो के नीचे वाले मैग्मा पूल में ही है ना, तो अगर ये वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो सेम मैग्मा बाहर आएगा, तो उसके साथ बह के काइडो और बिग मॉम भी बाहर आ सकते हैं। और एक चीज़ सुन लो, जो वॉल्केनो इस चैप्टर में फटा है ना 1050 में, वो फ्लावर कैपिटल वाला वॉल्केनो नहीं है, वो एक अलग अंडर वाटर वॉल्केनो है। फ्लावर कैपिटल वाला वॉल्केनो का फटना अभी बाकी है, एंड मे बी अब वो जल्दी फटने वाला है। एंड दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी। थ्योरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कैसा लगा ये थ्योरी और वीडियो। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भले ही इस थ्योरी को मैंने खुद से पूरा सोचा है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस थ्योरी को सबसे पहले सोचा है। मेरे ये थ्योरी बनाने के बाद मैं थोड़ा नेट में वन पीस के वॉल्केनोस पे रिसर्च कर रहा था, और मुझे रेडिट पे सेम टू सेम पूरा थ्योरी मिल गया, वो भी 2 साल पुराना। तो मैं पहला बंदा नहीं है इस थ्योरी को सोचने वाला, मेरे से पहले भी लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं इस थ्योरी को। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल दे रहा कि मैंने ये थ्योरी इस रेडिट पोस्ट को देख के या फिर कहीं से सुन के नहीं बताया तुमको, मैंने अपना दिमाग से इस थ्योरी को बनाया। वो लग पाते मैं लेट बना पाया इस थ्योरी को, मतलब कुछ लोग मुझसे पहले बना लिए, बहुत पहले, बट मैंने अपने दिमाग से ही बनाया इसको और तुमको बताया है। और जो लोग मेरे को लंबे टाइम से देख रहे हैं उनको पता ही है कि भाई थ्योरी चुराना दूसरों का काम होगा लेकिन मेरा तो नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को मैं अपना ओरिजिनल थ्योरी ही बोलूँगा। तो बस हो गया, अब निकलता हूँ, छोटी सी थ्योरी थी, अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने देगी, तो बाय बाय।